अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन के सीख कबाब। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। 250 ग्राम्स चिकन का कीमा, 1 मीडियम साइज ऑनियन, 3 गार्लिक क्लोव्स, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा रोस्टेड एंड क्रश्ड ये आप लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, घी 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ये फ्लावर है ये भी मैंने रोस्ट कर लिया था हल्का हल्का सा, ये भी तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ये साबुत धनिया लेके मैंने इसको भी रोस्ट और क्रश कर लिया है, ये तकरीबन है 1/2 टेबल स्पून। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें बनाना कैसे है इसे। प्लेट वाले जो इंग्रेडिएंट्स थे प्याज और गार्लिक जिंजर हरी मिर्चें ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बारीक बारीक। ये आप देख सकते हैं मैंने कितना फ़ाइन चॉप कर लिया है इसको पूरे को, आप लोग भी बिल्कुल इसको फाइन चॉप कीजिएगा, मोटा मोटा मत रखिएगा, जितना ज़्यादा आप बारीक पीस सकते हैं उतना ही पीस दीजिएगा। अब मैं इसको चिकन में ऐड करूँगी, चिकन का जो कीमा है हमारा उसमें ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सारा जो मिक्सचर था प्याज का वो मैंने इसके अंदर अपनी चिकन के कीमे में ऐड कर दिया है। अब मैं बाकी इसमें फर्दर इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दूँगी, फ्लावर है, ब्लैक पेपर, साबुत धनिया पिसा हुआ और रोस्टेड, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, रोस्टेड एंड क्रश ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और लास्ट में घी। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं, मैंने इसको शेप दे लिया है, ये देख सकते हैं आप मेरे सीख कबाब बन चुके हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी और मुझे जब भी ये खाने होंगे तो बस मैं पैन में हल्का सा ऑयल डालूंगी और इनको शैलो फ्राई कर लूंगी। आप लोग भी इसको शैलो फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी डीप फ्राई मत कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।